गाइस, क्या हो अगर आपकी कंपनी का बॉस चलती मीटिंग में आपको नौकरी से निकाल दे। जी हाँ गाइस, एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब Better.com कंपनी के सीईओ विशाल गर्ग ने चलती मीटिंग में एक, दो या दस नहीं बल्कि पूरे 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल विशाल गर्ग ने जूम पर 3 मिनट की वीडियो कॉल की और कहा कि जितने भी लोग इस कॉल में शामिल हैं उन सबको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा स्टाफ हो गया है और मार्केट में बने रहने के लिए फैसला जरूरी है। जिसके बाद हर तरफ सोशल मीडिया पर विशाल गर्ग को एक बुरा बॉस कहा जाने लगा और आखिरकार इतनी बुरी ट्रोलिंग के बाद विशाल गर्ग को माफी मांगनी पड़ी। पर सिर्फ माफी ही मांगी, सबकी नौकरी तो चली गई। गाइस सोचिए, अगर कोई कंपनी आपको इस तरह से नौकरी से बाहर निकाल दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली ने लगातार गलत अंपायरिंग करने वाले अंपायर्स को ये तक कह डाला कि तुम लोग फील्डिंग कर लो यार, मैं अंपायरिंग कर लेता हूं। जी हां गाइस, ये घटना न्यूजीलैंड की पारी के 16वें ओवर की है, जब अक्षर पटेल के ओवर की तीसरी गेंद रोस टेलर और विकेट कीपर रिद्धिमान साहा दोनों को चकमा देते हुए विकेट कीपर के पीछे बाउंड्री की तरफ चली गई, लेकिन अंपायर ने बाय के 4 रन नहीं देते हुए ये रन बल्लेबाज के खाते में जोड़ दिए, जो कि बिल्कुल गलत था। इसलिए विराट कोहली ने लगातार गलत डिसीजन के चलते अंपायर से ऐसा कहा था। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने अजीबोगरीब नौकरी वाले एक ट्वीट पर फायर इमोजी का यूज करके अपना रिएक्शन दिया। अब एलोन मस्क ने रिएक्शन दिया है तो कुछ खास तो होगा ही। दरअसल एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन मनीष सेठी ने एक महिला को अजीबोगरीब नौकरी के लिए $8 पर आवर पर रखा था, और उस महिला का काम यह था कि जब मनीष फेसबुक खोलते थे तो वे उन्हें थप्पड़ मारती थी, जिससे मनीष अपना टाइम बर्बाद करने से बच सके। असल में मनीष वियरेबल डिवाइस ब्रांड पावरलुक के सीईओ हैं और उन्होंने 2012 में बताया था कि इस प्रयोग से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। वर्ल्ड कप T20 2021 में चैंपियन बन चुके ऑस्ट्रेलिया की जीत में सेमीफाइनल के गेम चेंजर रहे मैथ्यू वेट की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इस तारीफ के पीछे उनके जीवन का संघर्ष भी छिपा है। बहुत ही कम उम्र में मैथ्यू वेट को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया था, और तो और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट नेशनल टीम में अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से उन्हें एक बार टीम से निकाल भी दिया गया था, और तब नौबत ये थी कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए कारपेंटर तक की नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन गाइस, इतनी परेशानियां आने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक योद्धा की तरह लड़ते रहे, और पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने कमाल कर दिया, सेमीफाइनल में 3 छक्के लगाकर मैच ही पलट दिया। गाइस, आपको मैथ्यू वेट का ये कारनामा और उनके हार ना मानने का जज्बा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।